दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी अपने YouTube वीडियोस के लिए मोबाइल से ही थंबनेल बनाता हूँ। अगर आपको भी थंबनेल बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे थंबनेल बनाते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। आपको भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद चलिए आपको बता देता हूं कैसे आपको पिक्सल लैब की मदद से अपना YouTube थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने के लिए हमें पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें यहां पे अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए थंबनेल का साइज यहां पे सिलेक्ट करना है। थंबनेल का साइज सिलेक्ट करने के लिए हमें यहां पे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमेज साइज का। हमें यहाँ पे इमेज साइज पर क्लिक करना है। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल। हमें यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे यूट्यूब थंबनेल का साइज आ चुका है। अब हमें यहाँ पे अपना थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने थंबनेल का बैकग्राउंड चूज करना है। थंबनेल का बैकग्राउंड चूज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एरो का निशान लगा रखा है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से कलर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारे कलर आ जाएंगे। आपको जिस भी कलर का अपना बैकग्राउंड रखना है वो कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे चूज़ कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे लिखना है, अपने यहाँ पे थंबनेल पे लिखना है। तो लिखने के लिए अब हमें यहाँ पे ए के ऑप्शन पर जाना है। ए के ऑप्शन पर जाने के बाद हमें यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, हमें यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करके हम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, मैंने यहाँ पे लिख दिया YouTube चैनल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सेट करना है। सेट करने के लिए आपको इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइज का। आपको यहाँ पे साइज के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने इसको छोटा कर दिया है। छोटा करने के बाद यहाँ पे फिर से चेक मार्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे इसको उठा के सबसे ऊपर लगा देना है। हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने में इसको उठा के दबा के लेके जाना है ऊपर की तरफ। इसको दबा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको डिजाइन चेंज करना है। हमें और भी कई तरीके से इसको लिखना है इस वर्ड को, तो हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फंट। हम यहाँ पे फंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ पे जिस भी डिजाइन से अपने वर्ड को लिखना है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे मुझे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ओके पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए डिजाइन चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यूट्यूब चैनल और यहाँ पे देखिए डिजाइन भी चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे YouTube चैनल तो लिख दिया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे और भी कुछ लिखना है। तो और भी कुछ लिखने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपने थंबनेल के बीच में एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ चुका है। अब हमें यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे फिर से एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैंने पहले लिखा था YouTube चैनल और यहाँ पे लिखूंगा कैसे बनाएं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। फिर से आपको यहाँ पे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ खसका के लाना है पकड़ के, और यहाँ पे नीचे ला के छोड़ देना है। और आपको इसको भी यहाँ पे मोटे अक्षर में लिखना है। तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे फ्रंट के ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे डिजाइन चूज करना है। डिजाइन चूज करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए इसका भी डिजाइन चेंज हो चुका है। अब आपको इसको अगर बड़ा करना है इस वर्ड को, तो यहाँ पे देखिए साइज के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसका साइज जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका साइज भी चूज कर लिया है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे सेट कर लेना जहाँ पे इसको रखना है, उसको यहाँ पे उठा के ऐसे खसका के रख सकते हैं। खसका के रखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने थंबनेल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे इमेज भी लगानी है। इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बीच वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एरो का निशान लगा रखा है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी इमेज यहाँ पे चूज़ करना है गैलरी से चूज़ कर लेना। तो मुझे अपने इस इमेज को चूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे इस इमेज पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद अपने इमेज को यहाँ पे देखिए इसको छोटा कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे छोटा कर लिया है।
अगर मुझे यहाँ पे इस इमेज में अपने मोबाइल का भी फोटो लगाना है तो मैं उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे अपने जो है थंबनेल पे कहीं पे टाइप करेंगे बाहर, यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर से यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम गैलरी में जाके अपने फिर से अपने मोबाइल वाली फ़ोटो को यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपने मोबाइल वाली फ़ोटोज़ को यहाँ पे चूज़ कर लिया है। इसके बाद फिर से हमें चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूँगा छोटा करके अपने इस इमेज को। यहाँ पर देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा करके बिल्कुल यहाँ पर मैं इसको सेट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल जैसा ही दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। आपको भी इसी प्रकार से जिस भी टॉपिक पर अपना थंबनेल बनाना है यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इस जो लिखा हुआ है यहाँ पे यूट्यूब चैनल इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर फिर से उसी पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पर जाना है। एक ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कलर का भी ऑप्शन है, इसको भी कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको जिस भी कलर का यहाँ पर रखना है वो कलर यहाँ पर रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर व्हाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने व्हाइट ही रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप पिक्सल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे धीरे धीरे सारे ऑप्शन के बारे में मालूम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना थंबनेल बना लिया है, आपको भी इसी प्रकार से अपना थंबनेल बनाना है। आप जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो थंबनेल इसी प्रकार से बनाना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने एरो का निशान लगा रखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव एस इमेज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। ये हमारी इमेज गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हम इस थंबनेल को अपने YouTube वीडियोस पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे Instagram का लिंक होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हमें Instagram पर भी फॉलो कर लीजिए।